नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़वानी जिले के अंजड़ में लोगों को सऊदी अरब ले जाकर अच्छी नौकरी दिलाने का लालच देकर धोखाधड़ी करने में एक आरोपी 17 साल पुराने मामले में पुलिस थाना ठीकरी के द्वारा फरार स्थायी वारंटी अमजद साहब पिता अब्दुल करीम निवासी कुम्हारवाड़ा झावा को गिरफ्तार कर न्यायालयिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमूल मंडलोई के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय द्वारा आरोपी को केंद्रीय जेल बड़वानी भेजे जाने का आदेश प्रदान किया गया है। इस दौरान अभियोजन अधिकारी अकरम मंसूरी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2003 में आरोपी अमजद साहा और एक अन्य आरोपी अदम अहमद पिता अहमद निवासी भटूर गुजरात के द्वारा ठीकरी के बेरोजगार लोगों को सऊदी अरब में अच्छी नौकरी दिलवाने के एवज में पासपोर्ट एवं गुजरात में मेडिकल कराने के नाम पर 2000 रुपए ठग कर भाग गया था। वहीं बेरोजगार लोगों ने पुलिस थाना ठीकरी पर लिखित शिकायत की थी। पुलिस द्वारा वर्ष 2003 में ही दोनों आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। साथ ही आरोपी अदब उस समय गिरफ्तार किया जा चुका था, किंतु वर्तमान में पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी अमजद साहब फरार हो गया था। इस दौरान पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश से जेल भेज दिया गया है। बड़वानी से सखिल मंसूरी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज।